सो हाई माई डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले, हम जो है एक आरसी प्लेन बनाते हैं या फिर हम ड्रोन बनाते हैं, उसमें हम साजिश से बात है मतलब कि हम जो हमारा नॉर्मल सा ट्रांसमीटर रिसीवर आता है उसका यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक हाईटेक लॉन्ग रेंज और बहुत सारे चैनल वाला चाहिए। तो इसलिए मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ लंबी रेंज वाला ये ट्रांसमीटर और रिसीवर। आप देख पा रहे होंगे इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर। ओके फ्रेंड्स, सो देखिए इसकी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आज, तो आप भी अपनी देख लीजिए इसके प्राइस वगैरह भी कुछ, ठीक है। इसके अनबॉक्सिंग करेंगे आज हम, तो वीडियो में बने रहिए। तो ये ट्रांसमीटर आता है 6 चैनल के साथ, आप इसे 10 चैनल के लिए भी अपग्रेड कर सकते हैं। सो इसको जनरली हमारे पीसी से कनेक्ट करके हमें अपडेट करना पड़ता है। सो ये जो ट्रांसमीटर आता है ये लगभग आपको 4,000 से 5,000 के लगभग मिल जाता है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाओगे तो इसकी प्राइस ज़्यादा दिखाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे इसके यहाँ पे भी प्राइस दी गई है। ओके दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे सब डिटेल वगैरह मैंने कहाँ से खरीदा है, कितने में प्राइस दी गई है। सो इसकी ओरिजिनल प्राइस नहीं है, ये सिर्फ हमें दिखाते हैं ज़्यादा प्राइस। सो लेकिन अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो हमें थोड़ा कम में भी मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं। सो अभी अगर आप देखें यहाँ पे इस पर सारी डिटेल दुर्गा इंटरप्राइजेज जहाँ से मैंने ख़रीदा है, सो ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था, मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी देना होते हैं, चलिए अभी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो हमें जो बॉक्स मिलता है इसको बाहर से ओवरऑल कुछ ऐसा लुक होता है, इसे ओपन करके मैं दिखा दूँ। इसके अंदर हमें एक जो पैकेट के अंदर मतलब हमारा जो ट्रांसमीटर है वो मिलता है, ट्रांसमीटर यानी रिमोट, और यहाँ पे यूज़र मैनुअल। सो मेरे हिसाब से कोई से पढ़ता नहीं, तो ठीक है इसे मैं एक तरफ रख देता हूँ, क्योंकि आज तक तो मैं किसी अनबॉक्सिंग में किसी को यूज़र मैनुअल पढ़ाते नहीं देखा। सो ठीक है, फिर भी दिखा देता हूँ आपको कुछ इस तरीके का आता है यूज़र मैनुअल, इसमें सब कुछ दिया गया है डिटेलिंग वगैरह, तो इसे हम एक तरफ रख देंगे। तो ठीक है, अभी हम क्या इसको रिमोट को अनबॉक्स कर दिया है, अभी इसे डिटेल में देखेंगे कैसा है क्या है। तो ठीक है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ अभी। ओके, तो इसको मैंने ओपन कर लिया है, तो ये पैकेज के अंदर कुछ इस तरीके से। तो अभी इसको उठा लेता हूँ मैं, अभी इसके नीचे शायद कुछ तो भी है, हाँ। तो इसके दोस्तों इसके पीछे अगर नीचे देखें तो यहाँ पर हमें जो रिसीवर मिलता है और रिसीवर के साथ में एक बाइंडिंग केबल भी मिलती है। सो इसको मैं रिसीवर को भी निकाल लूँगा बाहर के दिखा देता आपको। तो मैं बता दूँ ये जो हमारा जो रिमोट है 6 चैनल के साथ आता है, मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में बता दिया जैसे। सो आपको अगर अपडेट करना है इसे तो आपको रिमोट को अपडेट करने के बाद में हमारा जो रिसीवर है उसे भी अपडेट यानी करना पड़ेगा, जैसे कि नया रिसीवर आपको परचेस करना पड़ेगा जो हमें 10 चैनल तक सपोर्ट देता है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है 4.0 to 8.4 वोल्ट ऐसा कुछ दिया है, वो देखिए ये है 4 वोल्ट से 8.4 वोल्ट के यहाँ पे सपोर्ट करता है 2.54 GHz का 6 चैनल। तो ये चैनल भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखे हुए 1, 2, 3, 4 पूरे चैनल्स। तो अगर आप इसको अपडेट करते हो नया आपको 10 चैनल के लिए चाहिए तो आपको ये रिसीवर नया लेना पड़ेगा और उसे उस बाइंडिंग केबल से बाइंड करना पड़ेगा। सो ठीक है, अभी ये कुछ इस तरीके का दिखता है, यहाँ पे बाइंडिंग केबल लग जाती है, बाइंड यानी हमारे रिमोट को 1 टाइम कनेक्ट करना पड़ता है कि यानी वही हमारा सिग्नल कैच करे रिसीवर। तो ठीक है, मैं इसे भी एक दर बनते तो अभी देखते हैं हमारा रिमोट। सो ये जो रिमोट है थोड़ा हल्का लग रहा है, लेकिन इसके अंदर शायद बैटरी है नहीं, अगर बैटरी डाले थोड़ी इसके वेट बढ़ जाएगा। सो ये कुछ ऐसा दिखता है ओवरऑल। सो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे चैनल्स वगैरह दिए गए, ऊपर कीज दिए गए। सो ये जॉयस्टिक है, फर्स्ट चैनल है, ये सेकंड चैनल है, उसके बाद में इस साइड में देखें तो ये थर्ड चैनल है, और फिर इसमें फोर्थ चैनल भी साइड बाय साइड फोर्थ चैनल है। ओके, सो ऊपर के जो की है ये चैनल नहीं है, ये अगर आप अपडेट करते हैं अपने रिमोट को तो तब ये चैनल रहेंगे। सो अभी फिलहाल के लिए हमारे 4 चैनल हो गए, जो 2 चैनल आप बीच में जो घुमाने वाले बटन दिख रहे हैं ये हमारे ये 5th चैनल है, और ये जो है ये 6th चैनल है। सो ठीक है, तो ये दोनों ही हमें अभी यूज़ में लेंगे फिलहाल, क्योंकि अगर हमें अगर जो और एक्स्ट्रा में अगर कोई पार्ट चलाना है उसके लिए हमें अपडेट करना पड़ता है। सो यहाँ पे अगर नीचे देखे थे यहाँ पे कुछ प्रिकॉशन दिया गया है, हमें क्या देखना है मतलब इसे यूज़ करते वक्त, और इसका मॉडल नंबर दिया गया है रिमोट का। तो ठीक है, अभी अगर बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे शायद यहाँ पे बैक साइड में हमें एक अपडेट केबल को ज्वाइन करने के लिए एडाप्टर जो होता है उसका प्लग मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे बैटरी का बॉक्स के ऊपर कुछ वार्निंग है। सो फ्रेंड्स, ये जो 15 साल से नीचे के बच्चों के लिए मतलब सूटेबल नहीं है। सो यहाँ पे बैटरी की बात करूँ मैं तो यहाँ पे 4 बैटरी लग जाती है, आप लिथियम आयन भी लगा सकते हैं या AA मतलब रिचार्जेबल नो रिचार्जेबल भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पे आपको 4 बैटरी लगानी है 1.2 वोल्ट की। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल हमारा रिमोट कुछ इस तरीके का है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो
लाइक करना और शेयर करना ना भूले। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे इसी तरह के मैं वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। सो अगर बैक साइड में मटेरियल दिखा दूँ तो ये भी क्लीन मटेरियल है। सो ये मुझे मतलब पकड़ने में बहुत अच्छा लगता है, सॉफ्ट वगैरह है। सो ओवरऑल कुछ इस तरीके का दिखता है ये रिसीवर रिमोट, इसकी साइज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।